तमाम सारे बच्चे हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, कई बार नंबर कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, नंबरों का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन क्या शिव पूजा से बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान एकाग्रित कर सकते हैं? हमने हमेशा बच्चों से कहा, केवल बच्चे लोग क्या विचार करते हैं कि जब एग्जाम का समय आया तब किताब उठाए, जब विषम परिस्थिति में गिर गए तब शंकर को याद किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के माता पिता कहते हैं कि आप पूरे साल पढ़ाई करी है तो आपको एग्जाम के समय पर ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप अच्छी पद प्राप्त कर लेंगे। उसी तरह जैसे आपका एजुकेशन जरूरी है, उसी तरह शंकर के मंदिर में आप प्रतिदिन जाइए। आपको जरूरी नहीं कि 1 घंटा बैठना, जरूरी नहीं कि आधा घंटा बैठना, आप 2 क्षण के लिए जाओ, बाबा को प्रणाम करो, जल का आचमन करो, शिव जी के मंदिर में बेलपत्र को चढ़ाइए और आइए, शंकर की भक्ति करिए। जितना आपकी विद्या आपके साथ में है, जैसे भगवान शंकर ने लक्ष्मी को भी ईश्वर प्रदान करा है, तो ये विश्वास कहता है कि आपकी विद्या भी प्रबल मेरा देवाधिदेव महादेव जरूर करेगा। पर उसके अनुसार आपकी पढ़ाई भी जरूरी है, आपकी एजुकेशन भी जरूरी है और आपकी मेहनत भी जरूरी है।